हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है डेली 8 AM पर मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है दोस्तों आप लोगों के बीच। तो एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश क्लास लेकर दोस्तों प्रेजेंट हो चुके हैं। चलिए, जैसे कि आपको मालूम है प्रीवियस क्लास में हम लोग दोस्तों फैमिली से रिलेटेड बात जाने थे। उसमें एक या दो पॉइंट हम लोग जाने थे कि किस तरह से यदि किसी के सामने यदि अपनी फैमिली मेंबर के बारे में यदि बताना है, यदि सामने वाले आपसे पूछ रहे हैं तो आप किन किन लोगों को अपने फैमिली में किन किन व्यक्ति का नाम बताएंगे, अपने बारे में क्या बताइएगा, साथ साथ अपने फैमिली में कौन कौन से मेम्बर्स का नाम बताइएगा। तो उसमें हम एक दो पॉइंट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज के क्लास में उसी फैमिली मेंबर में भी उससे आगे नहीं, 1-2 पॉइंट के आगे जो अगला जो पॉइंट है वो सब के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि नए हैं चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फैमिली, जो कि फैमिली से रिलेटेड कुछ बात हम लोग पहले जान चुके हैं। दो 1 और 2 पॉइंट यानी 1 नंबर और 2 नंबर पे कौन कौन सा क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम हमको बताना रहता है वो उसके बारे में तो जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो आज हम लोग 3rd पॉइंट में हम लोग जानेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको 2nd पॉइंट में बताए थे उसी के बेसिस पे 3rd पॉइंट मतलब 3rd पॉइंट में भी दोस्तों आप उसको बता सकते हैं। व्हाट डज योर फादर डू, मदर डू, सिस्टर डू, ब्रदर डू। यदि मान लीजिए आप अपना आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, या इसके पिताजी के जगह पर मान लीजिए पूछ देगा कि माताजी क्या काम करते हैं, या मान लीजिए फादर पिता पिताजी के मदर जी के माताजी के जगह पर यदि आपको मान लीजिए सिस्टर यानी बहन के बारे में पूछ दिया जाए या ब्रदर के बारे में पूछ दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी किसी के बारे में पूछा जा सकता है, आपके आपके फैमिली मेम्बर के बारे में, पिताजी के बारे में भी पूछ सकता है, मदर के बारे में, माताजी के बारे में पूछ सकता है, बहन के बारे में पूछ सकता है और भाई के बारे में पूछ सकता है। तो उसको हम लोग पूछने के लिए या आप पूछेगा तो क्या व्हाट डज योर फादर डू, या व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट डज योर सिस्टर डू, व्हाट डज योर ब्रदर डू। तो जिसको पूछना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लगाइएगा वहाँ पर, व्हाट डज योर के बाद आप वो बन जाएगा। साथ ही साथ जब इसका आंसर का बात आएगा तो आंसर वो पूछने वाले इस प्रकार से पूछेंगे, आपको मान लीजिए जवाब देना है तो मान लीजिए आप अपना पिताजी के बारे में बताना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पिताजी टीचर है तो आप क्या बताएगा, माय फादर इज टीचर, या मान लीजिए डॉक्टर है तो माय फादर इज अ डॉक्टर, या मान लीजिए इंजीनियर है तो माय फादर इज एन इंजीनियर, या मान लीजिए आप अपना माता जी के बारे में बात बताना चाहते हैं मदर के बारे में तो आप क्या बताएगा, माय मदर इज अ हाउस वाइफ, मान लीजिए आपके माता जी मतलब हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के बारे में बताइएगा, या टीचर है तो टीचर के बारे में बताइएगा, यानी जो काम कर रहे हैं ना तो उसके बारे में आप बताइएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट डज योर सिबलिंग डू, यानी आपके भाई बहन क्या करते हैं, व्हाट डू योर सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब बताए थे दोस्तों भाई बहन होता है, क्या होता है भाई बहन। तो वह प्रीवियस क्लास में बताए थे, यदि मेरा प्रीवियस क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लास जरूर आप देखिए, क्योंकि प्रीवियस क्लास से ही फैमिली के बारे में बताना स्टार्ट हुआ दोस्तों और इस क्लास में भी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। तो व्हाट डू योर सिबलिंग डू, यानी आपके भाई बहन क्या करते हैं, तो अपना भाई बहन को यदि बताना चाहते हो तो आप बताइएगा, माई इल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर, यानी आपके बड़े भाई, यानी इल्डर का मतलब क्या होता है बड़े, माई इल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर वाइल माई यंगर सिस्टर इज स्टडिंग, यानी आप बता सकते हैं कि मेरे बड़े भाई जो है इंजीनियर है और मेरी छोटी बहन जो है ना वो क्या है स्टडिंग यानी पढ़ाई कर रही है। तो आप क्या बता सकते हैं इसका जवाब, व्हाट डू योर सिबलिंग डू, इसको दोस्तों आप जवाब दे सकते हैं कि माई इल्डर ब्रदर इज इंजीनियर, इंजीनियर के जगह पे आपको जो मन है जो है काम करते हैं उस काम को रख सकते हैं यहाँ पे, वाइल माई यंगर सिस्टर इज स्टडी, यानी छोटी है तो पढ़ाई भी कर सकती है, इसके अलावा भी नहीं पढ़ाई करते तो आप बताइएगा, जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बताइएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने पिताजी के बारे में बता सकते हैं, मदर जी माता जी के बारे में बता सकते हैं, बहन के बारे में बता सकते हैं, भाई के बारे में बता सकते हैं कि कौन क्या काम करते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आर यू द इल्डेस्ट यंगेस्ट इन योर फैमिली, यानी अब क्या पूछा जा रहा है, क्या आपके फैमिली में और भी कोई इल्डेस्ट या यंगेस्ट है, क्या बूढ़े और बच्चे मतलब जवान मतलब आपसे छोटे हैं, तो यदि है तो आप बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी यहाँ पे द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या था, आर यू द इल्डेस्ट यंगेस्ट इन योर फैमिली, तो कहने का मतलब यदि है तो आप जवाब दीजिएगा, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, सुपरलेटिव डिग्री का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, हाउ मेनी
निफ्यूज एंड निसेज डू यू हैव, क्या आपके पास भतीजा या भतीजी वगैरह भी है आपके आपके पास, तो बता है तो आप बताइएगा। तो जैसे आई हैव वन निफ्यू एंड टू निसेज, यानी मान लीजिए आपके पास एक भतीजा है और दो भतीजी है, तो आप बता सकते हैं कि आई हैव वन निफ्यूज एंड टू निसेज। दोस्तों आप बता सकते हैं यहाँ पे, दोस्तों वन और टू का जगह आप अपने अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, यहाँ पे संख्या को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इज योर फादर लीनियंट डिसिप्लिन, क्या आपके पिताजी बहुत सख्त है, यानी बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, तो यदि लेने वाले हैं तो आप बताइएगा माई फादर इज क्वाइट लीनियंट एंड इजी गोइंग। दोस्तों क्वाइट लीनियंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत कड़ा से कड़ा डिसीजन लेता है उसको उसका मतलब क्या होता है, क्वाइट लीनियंट, यानी जो बहुत मतलब छोटे छोटे बात पर भी गुस्सा हो जाते हो और उसको मतलब गंभीर मतलब समझने लगते हो उस बात को, सो उस पर रिसर्च मतलब कहने का मतलब क्या, उसको पकड़ लेते हैं उस बात को लेकर, तो उसको क्या बोलेंगे, माई फादर इज क्वाइट लीनियंट, यानी बहुत गुस्से वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, छोटे छोटे बात को वंडर बना देते हैं, या कोई ज़रूरी नहीं कि जो कुछ छोटा छोटा गलती पे भी पनिशमेंट कर देते हैं उसको क्वाइट लीनियंट बोलेंगे। या मान लीजिए जिसके पिताजी मान लीजिए छोटा छोटा बात के लिए या कोई भी बात हो उसको मतलब उतना सीधे तरीके से नहीं धरते, उसको छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो उसको अब क्या बोलेगा, माई फादर इज ईजी गोइंग, या मान लीजिए उस बात उससे छोटे छोटे मतलब गलती के लिए भी पनिशमेंट करते, तो आप बता सकते हैं माई फादर इज क्वाइट लीनियंट, या मान लीजिए उसको लिए आपको माफ़ कर देते हैं, दोस्त के जैसे व्यवहार करते, तो आप बता सकते हैं माई फादर इज ईजी गोइंग। क्लियर दोस्तों, तो इतना जितना भी आपको बात बताइए सभी के सभी क्या होता है, फैमिली से रिलेटेड है। और जब भी आप किसी से पूछ रहे हैं या आपके आपसे यदि कोई आदमी पूछ रहे, तो ये सभी के सभी बात आप डिस्कस कर सकते हैं। और किस प्रकार आप कीजिएगा वो आपको मेरा इस क्लास और प्रीवियस क्लास दोनों क्लास यदि आप देख लिए तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। तो आप जैसे कि आपको बताया है मेरा प्रत्येक क्लास को क्या कीजिए, एक नोट तैयार कीजिए और उस नोट को क्या कीजिए, 2 से 3 टाइम्स आप क्या कीजिए, रिविजिंग कीजिए। रिविजिंग करने के उपरांत क्या कीजिए, जहाँ पर भी इस प्रकार का बात आपको बोलने की जरूरत पड़ जाता है तो आप दोस्तों वहाँ पर बोलिए, क्योंकि ये बोलने से ही आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जानने की फैमिली कल और आज की क्लास में लाकर जाने कि फैमिली के बारे में कि यदि किसी को बताना है तो किस प्रकार से बातचीत करेंगे, या हमें भी मान लीजिए पूछना है तो आप कैसे क्वेश्चन कीजिएगा वो भी आपको पता चल गया है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।